हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे और स्किन पर मेजरमेंट दिया है सी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दोनों पार्ट्स को हमने फोल्ड करके रखा है डबल फोल्ड पार्ट में, और यहाँ से टोटल लेंथ ली है 14.5 इंची, और 13.5 का हमारा बनकर रेडी होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ से हमें शोल्डर लेना है 5.5 इंची। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हमें आर्म होल्स लेना है 5.5 इंची। इसके बाद यहाँ से चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 8 इंची। इसके बाद यहाँ से 2.5 इंची लेना है मार्जिन के लिए। इसके बाद देखिए, यहाँ से हमें गोलाई देना है 1 इंच से, इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से 2.5 इंची पर हमें गले के लिए मार्किंग करनी है, और यहाँ से लेंथ लेनी है टोटल 6 इंची, और यहाँ पर इस तरीके से देखिए बॉक्स टाइप का इसको बना लेंगे, और यहाँ से गोलाई आकार का शेप देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हमें प्रिंसेस कट शेप के लिए मार्क करना है। तो यहाँ से टोटल देखिए, हमें 10 इंची पर मार्किंग करनी है, और यहाँ से 4 इंच पर मार्किंग करनी है, और नीचे वाली साइड से करना है 3.5 इंची पर मार्किंग। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 1.5 इंची पर मार्किंग करनी है, और ऊपर की साइड इस तरीके से मिला देना है, और यहाँ से 2 इंची पर मार्किंग करनी है, और यहाँ से देखिए इस तरीके का शेप देंगे प्रिंसेस कट शेप के लिए। और इस तरीके से देखिए, यहाँ पर आर्म होल के साइड प्रिंसेस कट शेप को मिला देना है, और यहाँ से कमर का 4 पार्ट लेंगे। कमर हमारी 28 इंच है, तो उसका 4 पार्ट लिया है 7 इंच, और यहाँ से देखिए 2 इंची मार्जिन के लिए लेना है, और 1.5 इंची लेना है प्रिंसेस कट के लिए। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो सभी पार्ट्स को अच्छी तरीके से कट करके कंप्लीट कर लेना है, और यहाँ से नेक वाले हिस्से को भी कंप्लीट कर लेना है। नीचे की साइड से भी अच्छी तरीके से कट करके कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको रेडी करना है। तो फ्रंट, इसमें हम फ्रंट में हुक लगाएंगे, लेकिन पहले हमें नेक वाले हिस्से को रेडी करना है, और उसके बाद ही हम फ्रंट वाली पट्टियों को बनाएंगे। तो सबसे पहले गले को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गले वाले हिस्से पर सिलाई को डाल के कंप्लीट कर लेंगे सारे हिस्से में अच्छी तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने सारे नेक के हिस्से में सिलाई को डालकर कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखिए, इसमें हमें छोटे छोटे से कट लगाना है सारे हिस्से में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें अंदर जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और आप इसको बराबर करके इस तरीके से देखिए कंप्लीट कर लें। और उसके बाद देखिए, इसके नेक वाले हिस्से पर हमें एक सिलाई को पेस्ट करना है इसके ऊपर से, इस तरीके से देखिए। तो इस तरीके से देखिए, हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से नेक वाले हिस्से को रेडी कर लिया है। अब देखिए, यहाँ से हमें इसके बाल की साइड भी सिलाई को अच्छी तरीके से डाल लेना है। अब हमें यहाँ पर देखिए सेंटर वाले हिस्से से इसको कट करना है, क्योंकि इसे हम फ्रंट हुक वाला बनाने वाले हैं इसलिए। तो सेंटर से कट करने के बाद देखिए, दोनों पट्टियों को रेडी करेंगे पहले। तो सबसे पहले हम करेंगे हुक पट्टी को रेडी।
तो हुक पार्टी को रेडी करने के लिए हम अस्तर वाला फैब्रिक करेंगे यूज़, और ऊपर की साइड हमें आधा इंची एक्स्ट्रा रखना है फ्रेंड्स, याद रखें, और नीचे वाली साइड तक बराबर ही लेना है। तो देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्टी उसको कट कर देना है। अब एक बार पार्टी को सीधा करना है और इसके ऊपर से एक सिलाई को फेस्ट करना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पार्टी को अब अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरीके से करके, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करना है एक बार, और एक बार पलट लेना है। अब इसके ऊपर से एक सिलाई को फेस्ट कर देना है इस तरीके से। देखिए तो यहाँ पर हमारी हुक पट्टी अब बनकर रेडी हो गई है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें हाई पार्टी को रेडी करना है। तो हाई पार्टी को रेडी करने के लिए हम यहाँ पर इस फैब्रिक का यूज़ करेंगे, यानी मैन फैब्रिक का। लगभग 3 इंची चौड़ा फैब्रिक लेना है और उसे इस तरीके से आधा इंची जो जगह से उड़ते हुए ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद देखिए ऊपर की साइड भी हमें वही एक्स्ट्रा आधा इंची रखना है। अब देखिए जो आधा इंची एक्स्ट्रा रखा है उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ से अंदर की साइड आधा इंच और फोल्ड करना है, और इस तरीके से बराबर करके हाई पट्टी को बनाकर रेडी कर लेना है। तो इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो हाई पार्टी है वो भी बनकर रेडी हो गई है। फ्रेंड्स आप चाहें तो इस पर एक और सिलाई और फेस्ट कर दे सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर मैंने किया है एक और सिलाई का यूज़। इसमें आप हाई पार्टी का यूज़ बराबर इसी के अकॉर्डिंग मेज़र करके लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों पट्टियाँ बनकर रेडी हो गई है, हाई पार्टी और हुक पार्टी। इस तरीके से बराबर आएगा ये कुछ। अब इसके बाद फ्रेंड्स, हमें जो साइड वाले पार्ट्स हैं उनको रेडी करना है। तो उनको रेडी करने के लिए पहले आप इन दोनों को देखिए इस तरीके से बराबर करके रखें, जिस तरीके से हमें इनको अटैच करना है। तो पहले उनको बराबर करके रख लें और उसके बाद ही अटैच करें। तो दोनों को रख लिया है। अब इसके इनके चारों साइड हमें सिलाई को डालकर कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए हम इनको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर अटैच करने के लिए नीचे वाली साइड से अटैच करेंगे और दोनों को बराबर लेना है दोनों पार्ट्स को। और इस तरीके से देखिए ऊपर वाले पार्ट्स को एकदम खींचना नहीं है, हल्के हाथों से ढीला रखते हुए कपड़े को अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने वन पार्ट को अटैच कर लिया है, और फ्रेंड सेकेंड पार्ट्स यानी दूसरे पार्ट्स में भी हमें इसी तरीके से अटैच करना है। अब इसके बाद नीचे कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी के लिए 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और देखिए आगे वाली साइड वही हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है फोल्ड करने के लिए। तो पहले पट्टी को एक बार सीधा अटैच कर लेंगे, और सीधा अटैच करने के बाद देखिए जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देना है। अब एक बार पट्टी को ऊपर से सीधा करना है और उसके ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट करना है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, हमें पट्टी को इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, और जो आधा इंच एक्स्ट्रा था उसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। अब इसको अच्छी तरीके से बराबर मेजर करके और इसके ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट करना है। पट्टी को देखिए अच्छी तरीके से ही फोल्ड करके अंदर की साइड दबाएँ, और इस तरीके से देखिए सारे हिस्से में अच्छी तरीके से सिलाई को डालकर कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए हमारा जो कुछ नेक है वो इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है फ्रंट हिस्से का। अब जो दूसरा वाला पार्ट्स है उसको भी सेम इसी तरीके से रेडी कर लिया है। पहले हमने फ्रेंचेस कट को पार्ट को अटैच किया, उसके बाद कमर पट्टी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है फ्रंट हुक वाला। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।